अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा तीन मरले पर मुश्तमिल अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन में तैयार करदा बहुत ही खूबसूरत और शानदार घर, जिसकी लोकेशन अल कबीर टाउन फेज़ 2 मेन ड्राइवन रोड लाहौर है। ये जी आप घर का फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, जिसको ऊपर ग्लास वर्क और टाइल वर्क के साथ काफ़ी खूबसूरत अंदाज से काम किया गया है। इस प्लॉट की डायमेंशन 16.5 फीट बाई 40 फीट है, 16.5 फीट इसका फ्रंट है और इसी तरीके से 40 फीट इस प्लॉट की लंबाई है। अकोमोडेशन की बात करते चलें तो डबल यूनिट में ये घर है, 3 इसमें मास्टर बेडरूम्स हैं, 2 इसमें किचन्स हैं, टीवी लॉन्च है और इसी तरह से एक छोटा सा आपको गैराज मिल जाता है। और जिनके भी नसीब में ये घर हो, अल्लाह ताला उनके लिए बाइस रहमत, बाइस राहत, बाइस इज्जत और बाइस बरकत बनाए। ये जी आपको फ्रंट एलिवेशन एक दफ़ा फिर से क्लोज करके दिखाते चलें, तो आइए आपको लिए चलते हैं घर के अंदर। ये इसका छोटा सा गैराज है, जिसमें एक छोटी गाड़ी आप बिल्कुल आसानी के साथ खड़ी कर सकते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को आप गैराज से भी यूज़ कर सकते हैं, टीवी लॉन्च से भी कर सकते हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं घर के अंदर। अंदर ये जी टीवी लॉन्च के एंट्रेंस है और इसी तरीके से उसके साथ ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ऊपर वाले पोर्शन को आप बाहर गैराज से भी यूज़ कर सकते हैं और ये सीढ़ियों के नीचे पाउडर रूम है और इसी तरीके से स्टोर के लिए जगह बनाई गई है। और बिल्कुल सामने अगर आप देखते हैं तो ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम है और ये इस साइड पे टीवी लॉन्च में खूबसूरत वॉल डिज़ाइन है और इसी तरीके से ये दूसरी साइड पर किचन आ जाता है। ये आप दूसरी साइड से देख सकते हैं, बिल्कुल सामने ग्राउंड फ्लोर का किचन है, उसके साथ ही टीवी लॉन्च की एंट्रेंस है और इसी तरीके से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और ये एलसीडी पॉइंट है, पाउडर रूम है, स्टोर के लिए जगह है और इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। ये जी टीवी लॉन्च में नीचे टाइल वर्क 2 फीट 4 फीट टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और इसी तरीके से ये बिल्कुल सामने एलसीडी पॉइंट और ये जी ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन। ये दूसरी साइड से भी आपको सीलिंग डिज़ाइन दिखाते चलें। टीवी लॉन्च से चलते हैं किचन की तरफ। ये जी ग्राउंड फ्लोर का किचन है, काफ़ी खूबसूरत अंदाज के साथ किचन को डिज़ाइन किया गया है, वुडवर्क आप देख सकते हैं, बेहतरीन अलग काम किया गया है। और ये जी किचन का फुल व्यू, नीचे टाइल वर्क और इसी तरह से ऊपर आप खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। किचन से चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम की तरफ। ये जी ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम है, बेडरूम में ये जी ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, बेडरूम में जी बिल्कुल सामने वॉल डिज़ाइन, विंडो, अटैच वॉशरूम और इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जी एलसीडी पॉइंट और अलमारी इस बेडरूम के लिए। ये आपको बेडरूम दूसरी साइड से दिखाते चलें, बिल्कुल सामने एलसीडी पॉइंट है और अलमारी है इस बेडरूम के लिए, अटैच वॉशरूम है और इस साइड पर विंडो है, बाहर पेशियो एरिया है। बेडरूम में नीचे टाइल वर्क और ये जी ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, ये जी अटैच वॉशरूम बेडरूम के लिए, वॉशरूम में ये बेसिन एरिया और ये जी कमोड और ये शावर एरिया, ऊपर सीलिंग डिज़ाइन और ये जी वॉशरूम को फुल व्यू। वॉशरूम से चलते हैं बाहर बेडरूम में और यहाँ से आपको लिए चलते हैं बाहर फिर से टीवी लॉन्च एरिए में। इस साइड से भी आप टीवी लॉन्च का फुल व्यू देख सकते हैं। यहाँ से चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं और इसी तरह से एक आपको स्टोर रूम मिल जाता है। ये सीढ़ियों में आप देख सकते हैं खूबसूरत मार्बल का काम किया गया है और ऊपर आपको ओपन किचन भी मिल जाता है। ये जी हम आगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, यह आप स्टेयर डिज़ाइन देख सकते हैं। ये जी ऊपर वाले पोर्शन में फ्रंट वाला बेडरूम है, उसके साथ ही स्टोर रूम है और ये इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जो ओपन किचन है और ये बैक वाला बेडरूम है। ये जी इस एरिया का फुल व्यू, बिल्कुल सामने ओपन किचन, स्टोर रूम और ये जी ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, बिल्कुल सामने ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ और ये नीचे खूबसूरत टाइल वर्क। ये आपको किचन क्लोज करके दिखाते चलें। चलते हैं फ्रंट वाले बेडरूम की तरफ। बेडरूम में ये एलसीडी पॉइंट, अटैच वॉशरूम, बिल्कुल सामने जी विंडो और ये इस साइड पे वॉल डिज़ाइन, अलमारी इस बेडरूम के लिए। ये आपको दूसरी साइड से दिखाते चलें, विंडो, बिल्कुल सामने वॉल डिज़ाइन और ये इस साइड पे अलमारी। ये जी ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, ये अलमारी इस बेडरूम के लिए
को लिए चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये जिस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में ये बेसिन एरिया और ये जी कमोड। अच्छा, इस घर की लोकेशन अलकबीर टाउन फेज़ 2 लाहौर है और इस घर की जो प्राइस है वो 1,20,00,000 है। ये घर इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं है, ये कैश पे है। इसके अलावा अगर आप अलकबीर टाउन में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर घर लेना चाहते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट है जो कि 3 साल का प्लान है। 3 साल की आसान तरीन अकसात है और पोजेशन भी आपको 3 साल में ही मिलेगी, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं। अब हमारी दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये जो घर है ये इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं, ये कैश पे है। 1,20,00,000 इस घर की डिमांड है। अब हमारी दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आके विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डोर है इस बेडरूम के लिए वो आप देख सकते हैं, स्लाइडिंग के अंदर है। ये आपको दूसरी साइड से बेडरूम दिखाते चलें, विंडो, और इसी तरीके से ये इस साइड पर आप देख सकते हैं अलमारी। ये जी ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन और ये नीचे टाइल वर्क, बिल्कुल सामने अलमारी इस बेडरूम के लिए। आपको लिए चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये जिस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में ये जी बेसिन एरिया, कमोड, और इसी तरह से इस साइड पे शावर एरिया और ये ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन। इस घर की लोकेशन अलकबीर टाउन लाहौर है। आप आके हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अगर आप घर या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आके विज़िट कर सकते हैं। हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिन हजरात के पास अपने ज़ाती घर नहीं है, अल्लाह ताला रिज़्क के हलाल से हम सबको अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाती घर अता फरमाएं। हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।